राजस्थान में पहले चरण के मतदान के बाद दोनों ही पार्टियों की चुनावी रणनीति बदल सी गई है। कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन बीजेपी ने भी दूसरे चरण की सीटों को ध्यान में रखते हुए अपने सभी घोड़े दौड़ा दिए हैं। इस बार मतदाता को बूथ तक पहुंचाने के लिए ज्यादा सक्रियता है। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर तो काम कर रही है, वो भरोसे में है कि साइलेंट वोटर उनकी तरफ होगा। कई अहम सीट दूसरे चरण में है जिनमें कई नेताओं का भविष्य दांव पर है। ओम बिड़ला इसमें पहले पायदान पे है, गजेंद्र सिंह शेखावत, वैभव गहलोत, ऐसे नाम है जो राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करते हैं। कैलाश चौधरी भी इसी श्रेणी में है। बाड़मेर का चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष से रोचक हो चुका है, वहीं कई ऐसे नेता भी 13 सीटों पर अपना दाव आजमा रहे हैं जो चाहते हैं कि मोदी कैबिनेट में जीत के बाद उनका नाम हो। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आकाश गौरव, स्वागत है। धन्यवाद आकाश। दूसरे चरण पर 26 अप्रैल को मतदान होना है और 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में अगर पहली सीट हम आके तो कोटा आ रही है, कोटा में कुछ मिजाज बदले? देखिए, कोटा में मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे ओम बिरला हो, उनके लिए अमित शाह भी आए, तमाम नेताज जो रोड शो भी हुआ है। तो ये बड़ी चीजें वहां पर चल रही हैं। चुनावी मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं ओम बिरला, लगातार 4 चुनाव जीतते आ रहे हैं, 2 लोकसभा के, 2 विधानसभा के, तो जनता में उनकी अच्छी पकड़ है। लोकसभा अध्यक्ष जैसा बड़ा पद है और पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं, तो ओम बिरला के पास कई फैक्टर हैं जो वहां पर जनता के बीच लोकप्रिय हैं। सामने प्रहलाद गुंजल हैं, वो प्रहलाद गुंजल छात्र राजनीति से वहां पर बड़े सक्रिय हैं, भाजपा में थे, विधायक रह चुके हैं 2 बार, लेकिन अब कांग्रेस में हैं। और प्रहलाद गुंजल के लिए चैलेंजेस की बात करें तो कांग्रेस की आपसी अदावत जो है वहां पर, शांति धारीवाल सबसे बड़ी वहां पर उनके लिए समस्या की, कोटा की शांति बिगड़ी हुई है या गुंजल के पक्ष में बनी हुई? देखिए, शांति धारीवाल ने जो मंच पर बवाल हुआ उसके बाद सभा की है प्रहलाद गुंजल के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि वो चुनाव में पूरी तरीके से साथ देंगे, पार्टी का साथ देंगे। ये नहीं कह रहे हैं प्रहलाद गुंजल का साथ देंगे, कह रहे हैं कि पार्टी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, ये शांति धारीवाल का कहना है। प्रहलाद गुंजल बहुत अच्छी टक्कर वहां पर दे रहे हैं। हालांकि जनता जनार्दन है, 4 जून को ही पता चलेगा कि कोटा के मैदान में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जोधपुर की बात कर लेते हैं, जोधपुर में भी केंद्रीय मंत्री अब पूरी ताकत से लगे हुए हैं, बाहर की सभाओं को उन्होंने मना कर दिया है और जोधपुर में सारे समीकरण उनके पक्ष में करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पीएम मोदी के करीबी हैं, और जो कुछ मसले थे वो पहले पार्टी ने अपने लेवल पर सुलझा भी लिए, चाहे वो बाबू सिंह शेरगढ़ का मामला हो। कल उन्होंने शेरगढ़ में बड़ा रोड शो किया, बाबू सिंह शेरगढ़ एक ही गाड़ी में उनके साथ सवार थे, जिन गांव में वो गए वहां पर बाबू सिंह राठौड़ उनके साथ मंचों पर दिखे, उनकी बात करते दिखे। फिर एक वीडियो भी बीच में आया सामने कि बाबू सिंह राठौड़ जनता से कह रहे हैं कि इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत को जिताकर भेजो और गृह मंत्री से नीचे कोई पद मत लेना। तो जो मेन दिक्कत थी तो कार सेवा हो गई, गृह मंत्री तो अमित शाह, अब ये कह तो रहे हैं लेकिन वो कि गृह मंत्री से नीचे कोई पद मत लेना, जनता को मनाने के लिए नेता बड़े बड़े बयान देते हैं। लेकिन करण सिंह उचियाराड़ा जमकर बेहतर तरीके से उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और 25 कैंडिडेट में देखा जाए तो अच्छा बोलने वाले, ज्ञान वाले व्यक्ति जो चैलेंज दे रहे हैं डायरेक्ट कि जो मुद्दा भाजपा बुनाने की कोशिश कर रही है उसी पर आप आ जाइए, मुझसे बहस कीजिए, डिबेट कीजिए, जीते तो मैं खुद भाजपा ही ज्वाइन कर लूंगा। तो ऊंची कई सीटों पर नेताओं की बयानबाजी उनको भारी पड़ती है, जैसे हमने झुंझुनू में शुभकरण चौधरी के लिए देखा है कि कुछ ना कुछ उनको नुकसान वहां पर हुए, लेकिन करण सिंह उचियारड़ा के लिए उनके भाषण उनको फायदेमंद यहां पर साबित हो रहे हैं। जोधपुर में अच्छी टक्कर दे रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को, लेकिन फिर वही कि जनता जनार्दन है, 4 जून को पता चलेगा। फतले के लिए से निकल रहे हैं आप भी? नहीं, जनता जनार्दन भी शायद आकाश इसीलिए कह रहे हैं कि शांत है वोटर इस बार, ज्यादा खुलकर बात कर नहीं रहा, क्योंकि हम 25 लोकसभा में गए, वहां वोटर से बात की, लेकिन उनकी चुप्पी दर्शा रही है कि कुछ तो उनके मन में है जो वो करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद स्थितियां काफी क्लियर हुई और यही वजह है
कि राजस्थान चौक इसी विषय पर चर्चा कर रहा है कि दूसरे चरण में पार्टियों ने जो रणनीति बदली है तो किसके पक्ष में जाएगी। बाड़मेर की सीट भी बड़ी अच्छी है, कैलाश चौधरी अब दमदार तरीके से प्रधानमंत्री की सभा के बाद चुनावी सभाओं में खम्ब ठोक रहे हैं। उम्मीदाराम बेनीवाल शांत स्वभाव से लगे हुए हैं और वहां ज्यादातर जाट उनके पक्ष में बताए जाते हैं। तीसरे उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी है, बीच में कैंपेन थोड़ा कमजोर पड़ा लेकिन फिर से हेलीकॉप्टर की उड़ान भर रहे हैं। संक्षिप्त में बताइएगा क्या है इसका गणित। बाड़मेर का चुनाव है, पल पल बदलता है वो चुनाव। कहा जाता है कि वहां के जो वर्कर है, वहां की जो जनता है, वो अपनी गाड़ी में 3 झंडे और 1 डंडा रखती है जी। जगह जगह पर हर नेता की सभा में वो डंडा एक ही होता है, झंडा बदल लेते हैं। भीड़ सभी नेताओं की सभा में है। निर्दलीय का भी रोड शो हुआ था, उसमें भी हमने देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने दूसरे जी बिल्कुल, एक और वहां पर निर्दलीय है। तो ऐसे में भीड़ सबकी सभा में है, जनता सबके साथ वहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन वहां पर जब आप स्थानीय लोगों से बात करते हैं तो वो बाड़मेर का समीकरण अलग बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ का चुनाव आप मीडिया वालों के कहने से नहीं चलता, यहाँ का चुनाव लोगों के मन जातीय समीकरण से चलता है, यहाँ के इतिहास से चलता है। मीडिया ने तो डेरा जमाया हुआ है, मीडिया ने डेरा जमाया हुआ है, अच्छी बात भी है। स्थानीय पत्रकार भी अलग अलग प्रवक्ताओं के तौर पर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में समीकरण अलग अलग बताए जाते हैं। अगर आप अभी पूछेंगे जो व्यक्ति वहां पर थर्ड पोजीशन पर बताया जाता है, लोग कहते हैं कि चुनाव जीत भी सकते हैं। जो पहले नंबर पर बताए जाते हैं कहा जाता है कि वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। जो चौथे पर बताया जाता है कहा जाता है वो दूसरे पर आ जाएंगे। तो पूरा एक तरीके से फलौदी का सट्टा बाजार भी फेल है बाड़मेर के चुनाव में। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय करने में वो अपने भाव भी बढ़ा रहे होंगे शायद, ये भी हो सकता है। बांसवाड़ा की चर्चित सीट है, उस पर जिक्र कर लेते हैं। क्या लगता है, राजकुमार रोत थोड़े भारी पड़ेंगे? बयान तो बड़े बड़े दे रहे हैं, साथ में महनजीत सिंह मालवीय आंतरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं लेकिन सेटिंग अच्छी कर रखी उन्होंने। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो बड़ी एक सभा हुई उसके पहले तक महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ग्राउंड पर मजबूत माना जा रहा था, लेकिन सभा में भाषण के बाद राजकुमार रोत जिस तरीके से भाषण अपने किए हैं, जिस तरीके से बयान दिए हैं, राजकुमार रोत की एंट्री उस ठंडे बस्ते वाले क्षेत्र में दोबारा बहुत तेजी से हो गई। और राजकुमार रोत की ख्याति जनता जानती है, 31 वर्ष के युवा, लगातार 2 बार के विधायक और अब लोकसभा में उतरे हैं। तो राजकुमार रोत ने अपने नामांकन में भी दिखाया था कि किस प्रकार से आदिवासी अंचल की जनता उनके तो साथ है। मालवीय ने उनसे ज्यादा कर दी थी, उनसे ज्यादा कर दी थी, बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन वही बात है कि बाड़मेर और बांसवाड़ा दो ऐसी सीटें जहां जनता का मन क्या है ये आप कैमरे पर नहीं भांप सकते या भीड़ से नहीं भांप सकते, क्योंकि भीड़ तो विधानसभा चुनावों में भी प्रत्याशियों के लिए आई थी। लेकिन जितने मार्जिन से राजकुमार रोज जीते हैं 70,000-80,000, उतनी भीड़ तो एक सभा में आती है लोगों के। ऐसे में वहां का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। अभी एज की बात करेंगे तो राजकुमार रोत के पास ही है यहाँ, क्योंकि राजकुमार रोत धीरे धीरे अच्छी पकड़ बना रहे हैं। अरविंद डामोर के होने से ये कहा जा रहा है कि राजकुमार रोत को ही मुसीबतें हैं, लेकिन अब मुसीबतें महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए होने लगी है। राजकुमार रोत ने आदिवासी अंचल के उस एक मार्मिक जगह पर चोट कर दी है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासियों को, भीलों को, इस भील प्रदेश के सपने को बांटना चाहते हैं। जालौर भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। तरक्की एक्सप्रेस जारी कर दी है, जालौर के लिए सपने बड़े बड़े दिखा दिए हैं। लुम्बाराम भी शांत स्वभाव से लगे हुए हैं, उस सीट पर क्या चुनाव उठकर खड़ा हुआ है? बिल्कुल चुनाव उठ गया है। वैभव गहलोत के लिए जिस तरीके से सक्रियता अशोक गहलोत ने दिखाई है, पीएम मोदी ने लुम्बाराम जी के लिए दिखाई है। और पीएम मोदी ने तो कल सभा में कहा भी है कि बयान तो देश भर में चर्चित भी रहे, जिस तरीके से पीएम मोदी ने भाषण दिया वो इस चुनाव में अब तक नहीं था। पीएम मोदी ने ये कहा कि आपका एक एक वोट, लुम्बाराम को दिया गया वोट पीएम मोदी की झोली में आएगा, तो जनता का एक डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो स्थापित होता है। लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत का रोड शो में गाड़ी से उतरकर लोगों को, हर एक व्यक्ति को पर्चा बांटना, वो वैभव गहलोत का जो वचन पत्र है उसके पर्चे बांटना, ये जनता को कनेक्ट कर रहा है। और वहां पर रतन देवासी, चाहे समरजीत सिंह हो, चाहे वहां पर जो पूर्व नेता है वो हो, सुखराम बिश्नोई, संयम लोढ़ा है वहां पर, ये तमाम नेता सर थोड़े से बैक एंड पे चले गए, उनकी शिकायतें ज्यादा थी लेकिन फिर भी
तो ये जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सब नेताओं को संगठित वहां पर वैभव गहलोत के लिए कर लिया है, प्रचार का जो अलग एक रूप जालौर सिरोही की जनता को दिखाया है, वैभव गहलोत के लिए चुनाव अच्छा वहां पर मंडरा है, और लाल सिंह धानपुर को मनाकर अशोक गहलोत ने उनका बसपा का जो पर्चा है वो वापस उठवा भी लिया, तो राजपूत वोटों में भी अच्छी खासी सेंध मारी, फिर ऊपर से पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, ये सब चीजें वैभव गहलोत के लिए अच्छे समीकरण में बैठ रही है। लेकिन फिर भी यहां पर कांटे का मुकाबला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं कह सकते, पर एज अभी भी लुम्बाराम चौधरी के पास ही है। टोंक सवाई माधोपुर राजधानी के पास की सीट, सचिन पायलट वहां दम्भी रखते हैं, उन्हीं के विश्वस्त को टिकट दी गई है। वहीं सुखबीर सिंह जौनपुरिया कहते हैं कि मैं ताकतवर हूं, आर्थिक तौर पर संपन्न हूं, जनता की सेवा करना चाहता हूं, फिर से टिकट ले आए, और इस टिकट लेने के बाद कई विरोधाभास हुए, लेकिन फिर से वहां पीएम मोदी आ रहे हैं और मोदी चुनाव से ठीक पहले आ रहे हैं। ऐसे में क्या सचिन का जादू कम होगा और पीएम के ग्राफ के नीचे ये सीट वापस से बीजेपी के खाते में जाएगी? अंदरूनी बातों की बात करें तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया वैसे तो अकेले गुर्जर सांसद हैं राजस्थान से, वहां की जनता ये कह रही है कि हम एकमात्र गुर्जर सांसद को खोना नहीं चाहते। जातिगत समीकरण तो उनका गुर्जर बाहुल्य सीट है, मीणा बाहुल्य सीट है, मुस्लिम अच्छे हैं वहां पर, मीणा और मुस्लिम कॉम्बिनेशन हरीश मीणा के साथ है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सुखबीर सिंह जौनपुरिया को वोट जी बिल्कुल गुर्जर बताए जा रहे थे कि वो एक तरफ है, सचिन पायलट के कहने पर नहीं मान रहे। लेकिन आज भाजपा नेता का एक बयान जो टोंक में ही दिया गया, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट और पीएम मोदी की कोई तुलना नहीं है, आप कैसे तुलना कर सकते हैं, कहां पीएम मोदी कहां सचिन पायलट, ये अगर जनता को चुभ गया वहां पर तो ये टोंक सवाई माधोपुर का मैदान बदल जाएगा। और चर्चा ये भी है कि भाजपा के एक नेता टोंक सवाई माधोपुर में पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि हरीश मीणा वहां पर जीत जाए, सीट खाली हो और वो फिर विधानसभा चुनाव में उपचुनाव हो तो उतरे और जीते। ये तो कयास चलते रहते हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव अगर उनकी वजह से हारे तो उनको टिकट बीजेपी नहीं देगी। बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं, चित्तौड़गढ़ में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, उधर उदयलाल अंजना है। मुकाबला बहुत टफ नहीं था, लेकिन वो राजपूत बाहुल्य सीट है, वही जिक्र जो गुजरात से उठा था, और बहुत सारे ऐसे समीकरण अब चेंज हुए हैं, क्या उनका असर दिखेगा? हालांकि वहां पर जो सभाएं हुई हैं, जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, सीपी जोशी बढ़त तो बनाए हुए हैं, लेकिन उदयलाल अंजना क्या उस समीकरण को बदलने में कुछ चंद दिनों पहले कामयाब रहेंगे जब चुनाव की तारीख बिल्कुल पास आ गई? देखिए, उदयलाल आंजना का चुनाव पहले ठंडे बस्ते में माना जा रहा था, सीपी जोशी सबसे ज्यादा मजबूत माने जा रहे थे, सीट बहुत मजबूत मानी जा रही थी क्योंकि चंद्रभान सिंह आक्या को भी उन्होंने मना लिया और जो दूसरे विधायक है वो भी उनके साथ लग गए। लेकिन उदयलाल आंजना ऐसे नेता हैं जिनके लिए कांग्रेस के तीनों बड़े नेता प्रचार के लिए गए हैं, सचिन पायलट ने भी सभा कर दी, अशोक गहलोत ने भी सभा की, गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंच गए। उदयलाल आंजना ने जिस तरीके से इस चुनाव को अपने लिए मंडाया है तेजी से, जिस तरीके से उठाया है, और फिर मांगीलाल ननामा जिन्हें कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था भारत आदिवासी पार्टी का, लेकिन वो प्रतापगढ़ में मजबूत माने गए हैं और प्रतापगढ़ में ही रोड शो हुआ है योगी आदित्यनाथ का, ऐसे में इस सीट पर कड़ी टक्कर इस विधानसभा क्षेत्र की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो मांगीलाल ननामा जमकर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी 19-20 देखा जाए तो 20 यहां पर सीपी जोशी हैं, उनका जो मार्जिन पिछले चुनाव का है 5.5 लाख का, वो कवर करना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के लिए, इसीलिए ये सीट सीपी जोशी के लिए बेहद मजबूत मानी जा रही है। अभी भी वो यहां पर एज में है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है, लेकिन मार्जिन कम हो सकता है इसमें। एक और सीपी जोशी हैं जो भीलवाड़ा से लड़ रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस के हैं, दिल्ली मीडिया को ये बात अक्सर समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी ये दोनों सीपी जोशी अलग अलग भूमिका में हैं, अलग अलग पार्टी से हैं। वहां पर दामोदर अग्रवाल के मुकाबले किस तरीके के समीकरण है, चंबल का पानी क्या वहां असर कर रहा है, या पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ पूरा भीलवाड़ा है? देश में 2019 के चुनाव में चौथे नंबर की सीट थी भीलवाड़ा, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीती गई थी 6.5 लाख वोटों से, और सीपी जोशी यहाँ से 2009 में सांसद थे। अब दामोदर अग्रवाल को टिकट मिला है, सुभाष बैडिया का टिकट काट दिया गया है, एंटी इनकम्बेंसी तो बीजेपी ने खत्म कर दी है। वहीं वहां की जनता ये कहती है कि जब 6.5 लाख का मार्जिन था सीपी जोशी का, विधानसभा चुनाव हारने के बाद लौट कर आना और इस तरीके का एक चीज़ें दिखना कि टिकट उन्हें दिया गया है, वो टिकट लेना नहीं चाहते थे ऐसे में, और एक और बात कि वो मेवाड़ की सीट है,
तो मेवाड़ का जो समीकरण बन रहा है वो भाजपा के पक्ष में ज्यादा बन रहा है, आसपास की सीटों से फर्क पड़ता है। तो ऐसे में भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल मजबूत माने जा रहे हैं। आरएसएस का गढ़ है भीलवाड़ा जो शहर है, और आरएसएस जमकर दामोदर अग्रवाल के साथ वहां पर लगा हुआ है। ऐसे में दामोदर अग्रवाल को ही वहां पर एज है और उन्हीं को वहां पर मजबूत माना जा रहा है। सीपी जोशी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक चांदना उनके लिए पहुंच चुके हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सीपी जोशी ने वहां की जनता को पानी पिलाया है, पर जनता इस बार दामोदर अग्रवाल के साथ वहां पर दिख रही है। अजमेर की बात कर लेते हैं, पीएम मोदी यहां भी सभा करके गए हैं, हालांकि दूसरे चरण का चुनाव था, पहले चरण की सभा यहां हो गई है। अब यहां पर क्या लग रहा है, जहां तक माहौल है अजमेर की सीट भी बीजेपी के पक्ष में रही है, लेकिन हारे हुए प्रत्याशी पर यहाँ फिर दाव खेला गया है जो विधानसभा चुनाव में हारे, हालांकि सांसद रहे हैं वहां के, और इस सीट से कांग्रेस ने नए प्रत्याशी पर दाव खेला है। नए प्रत्याशी सुस्त प्रचार में आगे हैं, लेकिन फिर भी दावा तो कर रहे हैं कि उन्हें जो दुग्ध पालक है वो जिताएंगे। देखिए, ऐसे बोलना चाहिए या नहीं है, गलत है या सही है, मैं इन चीजों को इतर रखता हूँ, लेकिन कोई भी प्रत्याशी कमजोर नहीं होता। पर फिर भी ये 25वीं सीटों में ये एक सीट मैं मानता हूं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कमजोर प्रत्याशी को ही शायद टिकट दिया है। रामचंद्र चौधरी अजमेर के एक इलाके में लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनको वोट मिलना ये बड़ा मुश्किल है। साथ ही वो वोट मांगने का उनका तरीका एक होता है कि आप 36 कौम से वोट मांगे, वो मंचों से ये कहते हैं कि मेरे साथ डेयरी के लोग हैं, मेरे साथ पशुपालक हैं, मैं ये चुनाव जीत जाऊंगा। 36 कौम में आते हैं मैं मान रहा हूं, लेकिन आप उसको एक जगह क्लासिफाई कर रहे हैं पशुपालकों में। अब पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लोग पशुपालक तो है नहीं, व्यापारी हैं वहां पर लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, वहां पर अलग अलग समाज है। ऐसे में रामचंद्र चौधरी को वहां पर कमजोर प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। भागीरथ चौधरी हालांकि विधानसभा चुनाव हारे थे, अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत एक टिकट दे देती तो भागीरथ चौधरी के लिए मुसीबत हो जाती यहां पर फिर भी ये चुनाव भागीरथ चौधरी के लिए उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, उन्हें ही एज देखा जा रहा है। पाली में क्या रहेगा, संगीता बेनीवाल चुनाव तो दमदार लड़ रही है, लेकिन पीपी चौधरी बिल्कुल आश्वस्त है कि ठीक है जीत जाएंगे। मैं सोशल मीडिया पर कमेंट पढ़ रहा था कि एक सीट जहां पर प्रत्याशी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है वो पीपी चौधरी की सीट है, उन्हें पहले भी शायद जरूरत नहीं करनी और मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ी और अभी भी शायद ना करनी पड़े। संगीता बेनीवाल बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरना, इतने अच्छे तरीके से प्रचार करना, ये संगीता बेनीवाल से सीखना चाहिए। कोई उल जुलूल की बयानबाजी नहीं, कोई फालतू की चर्चाएं नहीं, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी रील नहीं, भीड़ जुटाना नहीं, डोर टू डोर कैंपेन करना, लोगों से बात करना, महिलाओं से जुड़ना, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि पाली का वोटर इस बार पीएम मोदी के लिए और भाजपा के लिए जो मार्जिन है, जो पिछले दो चुनाव हैं, सब चीज़ों से ज़्यादा समृद्ध लग रहा है, तो एज तो पाली में पीपी चौधरी को ही दिख रहा है। उदयपुर और राजसमंद दोनों सीटें अलग अलग हैं, लेकिन बात इन्हीं की कर लेते हैं, वहां पर भी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एज बीजेपी के पास है अब तक के समीकरणों के आधार पे, और लग रहा है कि भीलवाड़ा के जो प्रत्याशी थे उन्हें जब राजसमंद से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर भेजा तो बड़े हताश थे, अभी भी दिख रहे हैं कोई काम प्रचार के लिहाज से या बड़ी सभाओं के लिहाज से वहां नहीं हुआ है। उदयपुर में भी कुछ सेम से हालात दिख रहे हैं, क्या लगता है इन दिनों दोनों सीटों का समीकरण? राजसमंद की बात कर लेते हैं अजमेर के बाद, क्योंकि अजमेर में जो मैंने कहा कि कमजोर टिकट मिला है कांग्रेस ने, तो दूसरा कमजोर टिकट यहां दिया है राजसमंद में। पहली बात तो राजपूतों को वहां पर टिकट मिलता रहा, उसके बाद अगर किसी को टिकट वहां पर जनता मांग कर रही थी तो रावत समाज से देने की मांग कर रही थी, टिकट दे दिया गया दामोदर गुर्जर को, वो भी टिकट दिया नहीं गया, शिफ्ट किया गया, ट्रांसफर किया गया। पहले भीलवाड़ा से टिकट मिला, राजसमंद में सुदर्शन रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो फिर दामोदर गुर्जर को लाया गया, और अभी तक वहां की जनता ने दामोदर गुर्जर को देखा नहीं है, वो चेहरे से भी नहीं पहचानते हैं कि दामोदर गुर्जर कौन है। हालांकि वो कांग्रेस की, भाजपा की प्रत्याशी महिमा सिंह को भी कई लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो भाजपा के परचम को पहचानते हैं, वो कांग्रेस और भाजपा के झंडे में फर्क जानते हैं, कमल के फूल को जानते हैं, पीएम मोदी को तो जानते हैं कम से कम। तो ऐसे में राजसमंद की सीट जहां पर जाती है समीकरण दामोदर गुर्जर के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, ऐसे में उन्हें वहां से टिकट देना ये तो सीट भाजपा की झोली में डाल देना है, ये वहां के चीजें हैं। बात करें उदयपुर की, मन्नालाल रावत हैं, प्रकाश चंद्र बूझ हैं, सामने ताराचंद मीणा हैं। ताराचंद मीणा अशोक गहलोत के करीबी हैं और पूर्व अधिकारी हैं, लेकिन ताराचंद मीणा अधिकारी हैं, नेता नहीं है।
जनता के बीच जनसंपर्क नहीं है उनका उदयपुर में। अशोक गहलोत की सभाएं करके वो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वो भाजपा का गढ़ है उदयपुर, वहां पर मजबूत प्रत्याशियों की जरूरत होती है। वो वहां पर कटारिया का वो गढ़ रहा, वो जैन का गढ़ रहा, तो ऐसे में उदयपुर की सीट पर अभी तो फिलहाल मन्ना लाल रावत को ही मजबूत माना जा रहा है। नेता उनके लिए रोड शो करके आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, सीएम भजन लाल लगातार लगे हुए हैं, अधिकतर विधायक भाजपा के हैं, तो ऐसे में जो ये सीट भाजपा की पक्की है, ये पक्की ही रहेगी, अभी तक तो ऐसा दिख रहा है। एक महत्वपूर्ण सीट और हुई जिस पर वसुंधरा राजे ने प्रचार किया, बात झालावाड़ 12 सीट की, क्या लगता है वहां पे लगातार सांसद रहे हैं वसुंधरा राजे का बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये तो पूरा क्षेत्र ही मेरा है, यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो मैंने किया है, यानी बीजेपी की सांसद के तौर पर दुष्यंत सिंह ने किया है और मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे ने किया है, तमाम विकास के वादे भी गिना दिए, वहाँ पर मुकाबला है क्या कुछ? 35 सालों की लेगेसी कायम रहेगी झालावाड़ 12 में, अभी तक तो यही दिखता है, क्योंकि झालावाड़ 12 की बात करें तो गढ़ है, जनता वसुंधरा राजे को वहाँ पर अपनी बेटी मानते हैं, मतलब बहू मानते हैं, बेटी मानते हैं, घर की मानते हैं, दुष्यंत को अपना बेटा मानते हैं, तो ऐसे में जनता का जब एक नेता से पारिवारिक अगर जुड़ाव हो जाए, विरोध होगा। थोड़ा सा सवाल मैं और ट्रिकी कर देता हूँ, इसे छोड़ देते हैं, चलो आप मान रहे हैं कि जीत रहे हैं, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल तो राजस्थान की जनता में यही है, क्या इस बार दुष्यंत अगर सांसद बनते हैं तो मोदी की सरकार आती है तो क्या कैबिनेट में नाम होगा? वसुंधरा राजे अभी तक प्रचार के लिए झालावाड़ 12 के बाहर नहीं गई हैं। यहाँ अगर राजस्थान में गणित बिगड़ता है, कुछ सीटों पर कांग्रेस आ जाती है, गठबंधन क्यों दिया जाए, मतलब नहीं उनको दोष देने की बात नहीं कर रहा हूँ, बुलाया नहीं गया ऐसा संभवतः राजनीतिक हलकों में चर्चा है, बिल्कुल बीजेपी जाने ऐसी भी चर्चा है, लेकिन ये हो सकता है कि वसुंधरा राजे को एक्टिव करने के लिए दुष्यंत सिंह को हो सकता है कि कैबिनेट में जगह दी जाए, या फिर जो जनता देखिए वसुंधरा राजे के अपने समर्थक हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो, इतना बड़ा पद मुश्किल से चुनिंदा लोगों को मिला है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है तो फिर बड़ी जिम्मेदारी थी कि दूसरी जगह भी उनकी सभा होती, उपाध्यक्ष है पार्टी की, दूसरी जगह तो सभा होनी चाहिए, तो फिर अगर उपाध्यक्ष है तो, क्योंकि अध्यक्ष तो सब जगह घूम रहे हैं, ऐसे में उपाध्यक्ष के पास बड़ी जिम्मेदारी थी। बात रही जनता का एक जो कनेक्ट वसुंधरा राजे से है, ऐसे में उस कनेक्ट को रिबिल्ट करने के लिए दुष्यंत को हो सकता है कि कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, और उसके पीछे एक और कारण है कि दुष्यंत अगर जीतते हैं तो लगातार 5 बार के सांसद होंगे, और 5 बार का सांसद बड़ा नेता हो जाता है, तो ऐसे में मोदी सरकार अगर आती है तो हो सकता है कि दुष्यंत सिंह को कैबिनेट में जगह मिले। एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं, राजनीतिक आकलन बिगड़ गया है, अब रणनीति भी बदल गई है, एग्रेसिव हो गई है बीजेपी एकदम से, भाषण में भी दिख रहा है, कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी दिख रहा है, और इस बार वो 13 सीटें हैं दूसरे चरण की राजस्थान की, उन पर कोई भूल नहीं करना चाहती, कोई ढिलाई नहीं करना चाहती, सभी को लगा दिया है कि फील्ड में जाइए, प्रचार कीजिए, लौट कर आएंगे फिर बात करेंगे। देखिए अग्रेशन भाजपा का भी आ गया, अग्रेशन कांग्रेस का भी आ गया है, पहले चरण के बाद तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि साहस आ गया, अग्रेशन तो कहां लाएगी कांग्रेस, अब कांग्रेस को लग रहा है कि पहले चरण के बाद दूसरे चरण की 13 सभी हमारी हैं, वो मुकाबले में नहीं मान रहे, लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले चरण में आपको ऐसे रुझान लग रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कांग्रेस जीत रही है पहले चरण की सभी सीटें, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि भाई परिणाम ऐसे आ जाएं कि लोग अचंभित हो जाएं, शॉक हो जाएं कि भाई कैसे परिणाम आए हैं ये, तो ऐसे में भाजपा तो अग्रेशन मोड पर आ गई है, और भाजपा ने अब सीरियसली, दामोदर अग्रवाल का सुबह बयान आ गया था कि हम चुनाव को हल्के में ले रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कांग्रेस समझ रही थी कि मोदी आ रहे हैं, इसीलिए अभी तक कार्यकर्ता चार्ज्ड अप नहीं था, अब सीएम भजन लाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन भी आज किशनगढ़ में आयोजित किया है, यहां से कार्यकर्ताओं को चार्ज्ड अप करने की चीजें शुरू की जा रही है। 26 तारीख को भाजपा की ये पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक बूथ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो, कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, भाजपा का जो वोटर सोया हुआ बताया जा रहा था कि वो घरों से निकला नहीं पहले चरण में, वो ज्यादा से ज्यादा आए मतदान केंद्रों तक, मतदान करें और पार्टी की जीत के लिए काम करें, भाजपा ऐसे कोशिश कर रही है, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो
पहले चरण के बाद रुझानों के तहत जो हवा बन चुकी है कि कांग्रेस आ रही है कई सीटों पर, लगभग 10 सीटें बताई जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि हम इन सीटों पर आ रहे हैं। कांग्रेस कांग्रेस उस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहती है कि हम दूसरे चरण में इसे बरकरार रखें, जनता को यह हवा लगे कि कांग्रेस इतने आसानी से भाजपा को यहां सीटें नहीं जीतने देगी, तो दूसरे चरण में भी इसका फर्क पड़े और कांग्रेस भी यहां पर सीटें निकाल ले। तो ये थी दूसरे चरण की 13 सीटों पर एक चर्चा। राजस्थान चौक के आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि हमें भी साहस मिलता रहे। राजस्थान चौक की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, ताजा तरीन खबरें आपको मिलेंगी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या हमारा राजनीतिक आंकलन आपके मन के करीब है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में निश्चित होकर बताइएगा। उनके आधार पर भी हम एक शो करेंगे और बताएंगे कि राजस्थान की राजनीति में किस तरीके के गणित बन और बिगड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।